खुद केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। एसपी सिंह बघेल साहब, एक बार फिर से आप सबका आपका बहुत स्वागत है सर। और ये निर्वाचन अधिकारी के पास जो डेलीगेशन पहुंचा है उसकी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को। अब अगला कदम आपका क्या होने जा रहा है सर बघेल साहब? मैं तो अपने दल के हमले से कोई डरा नहीं हूँ। मैं उन्हीं के इलाके में वोट मांगते हुए डेमोक्रेसी में जो है अपना संहिता के अनुसार वोट मांग रहा हूँ। और डेलीगेशन आप बता रहे हैं, मैं टीवी भी नहीं देख पा रहा हूँ, क्षेत्र में हूँ। लेकिन तीन चीजें आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप ये दिखा सकें कि ये वो लोकसभा है जो हिंदुस्तान में 542 लोकसभाएं हैं, लेकिन ये मैनपुरी लोकसभा वो लोकसभा है जो काउंटर मांड हो चुकी है, पूरा कैंसिल कर दी थी वोटिंग के बाद। हाई पोल और हिंसा और बूथ कैप्चर के आधार से 2004 में जब धर्मेंद्र यादव, मुलायम सिंह जी दो जगह एमपी हुए, यहाँ से छोड़ा, उनके भतीजे धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे थे, तो ये काउंटर मांड हो गई। और ये वही लोकसभा है जिसका एक रिकॉर्ड है कि 6 महीने में 3 लोकसभाओं के चुनाव हुए। जनरल चुनाव में नेताजी जीते, इस्तीफा दिया तो धर्मेंद्र लड़े, और धर्मेंद्र की पोलिंग इतनी भयंकर और बूथ कैप्चरिंग और हत्या हुई कि ये इलेक्शन फिर टला और फिर तिबारा हुआ है। तो ये इसका इतिहास है। इस बात को आप लोगों को गंभीर, कल की घटना से आप कोई अचंभित क्यों हो रहे हैं? यहाँ तो मगरिया में 2 लोग साथ के पोलिंग वाले दिन मारे गए थे, और यहाँ 1996 में जब नेताजी पहली बार एमपी बनकर रक्षा मंत्री बने थे तब अंगतपुर में यहाँ पर मरे थे, जब वो जसवंत नगर लड़ रहे थे तो बाबा की नगरिया में वहां मरे थे, जब मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव लड़ने गुन्नौर गए थे तो पूरा इलेक्शन कैंसिल इस बात से हुआ था कि ठीक 90 पोलिंग 90% से ऊपर हुई थी, इलेक्शन कमीशन ने मुख्यमंत्री को सीएम की सीट को कैंसिल किया, जसवंत नगर के सीएम रहते हुए कैंसिल किया, और ये वाली मैनपुरी कैंसिल हुई। तो कल की घटना की जगह थोड़ा रिसर्च कर लो कि यहाँ ये आम बात है जो लोग करते हैं जी। अच्छा, आपने तमाम बातों का जिक्र कर दिया एसपी साहब बघेल साहब, आपने बहुत सारी चीजों को गिना भी दिया, आपने बता दिया कि ये लोग तो ऐसे ही रहे हैं समाजवादी पार्टी से। मैं इलेक्शनों का जिक्र कर रहा हूँ मैडम, मैं कोई छोटी मोटी गोबर के झगड़े की बात नहीं कर रहा हूँ। मैनपुरी लोकसभा चुनाव बूथ के हिंसा की वजह से काउंटर मांड, अगर मेरी अंग्रेजी ठीक हो तो काउंटर मांड शब्द कहलाता है, चुनाव आयोग ने पूरा निरस्त कर दिया जी। कहा वोट पलटे चाहिए पूरी लोकसभा का, जो सुरक्षा सभा को निरस्त कर दिया, गुन्नौर विधानसभा को निरस्त कर दिया, जब तीनों काउंटर मांड हुई है तब पेठी परिवार का ही कोई था, ये महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, सुरक्षा भी आपकी बढ़ा दी गई है एसपी सिंह बघेल साहब जी? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुरक्षा एजेंसियों का और भारत सरकार का कि जिन्होंने पढ़ाई है, और यहाँ पर खतरा अभी भी है क्योंकि यहाँ हर इलेक्शन में बूथ पर कोई ना कोई वो समर्थक मारा जाए। अच्छा, अभी भी आप प्रचार के लिए निकले हैं एसपी सिंह साहब, आपने ये कहा कि आप रुके नहीं है बल्कि आप लगातार जा रहे हैं प्रचार के लिए? मैं तो समय आपको गाड़ी का हॉर्न सुनाता हूँ कि मैं प्रचार में। अच्छा, लेकिन ये एक बार फिर से आप ये बता दीजिए, क्योंकि वहां पर तो अखिलेश यादव लगातार शुरुआत से ये दावा कर रहे हैं कि दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, वो तो इस बार दावा ये भी करते हैं कि ना सिर्फ करहल मैनपुरी बल्कि उत्तर प्रदेश से भी आपका सफाया होने जा रहा है, फिर ये इस तरीके से अभद्रता हमले, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई समाजवादी पार्टी को? फिर साइकोलॉजी का छात्र हूँ जी, आपकी चैनल ने मुझे दिखाया को मैं 10 बजे जब देख रहा था रात में एबीपी गंगा पे, मैं देख रहा था कि अखिलेश यादव ने नॉमिनेशन वाले दिन 31 तारीख को 2 बजे ये कह रहे थे आपकी चैनल पर कि मैं यहाँ नहीं आऊंगा, 40 दिन बाद आऊंगा 10 मार्च को, तो 6 तारीख को ही क्यों आ गए? कल वो पुनः आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, और सीट उनके अनुसार सर्वश्रेष्ठ है। एक तरफ देखो, दोहरा चरित्र देखो, एक तरफ कहते हैं मेरा किला है, दूसरी तरफ अपनी विधानसभा में 2 बार आ रहे हैं, क्या 403 सीटों पर 2-2 बार हेलीकॉप्टर वो उतार रहे हैं? इससे क्या प्रतीत हो रहा भाई? सिंपल सी बात में मैडम आपसे पूछ रहा हूँ, अब मैं एंकर हो गया हूँ जी। अच्छा, 403 सीटों पर क्या वो 2 बार जाते हैं किसी को हेलीकॉप्टर लेकर के जो अपने लिए आ रहे हैं? बघेल साहब, ये जो आ रहे हैं अपनी मजबूत पे आ रहे हैं, क्या रामगोपाल जी, अखिलेश जी, धर्मेंद्र जी, अक्षय जी, डिंपल जी, तेज प्रताप सिंह जी, इतने लोग, क्या शिवपाल जी, 7 लोग किसी विधानसभा में 7 स्टार प्रचारक पिछले 10 दिन से रहते हैं क्या? गीता साकी जी पर हमारे एमपी हैं राज्यसभा की, उन पर हमला होता है, मेरे पे ये तीसरा हमला हुआ है। तो जब अगर आप
अच्छी परीक्षा देने जा रहे हैं और आप टॉपर हैं, तो आप परीक्षक से लड़ोगे क्या? फालतू में क्यों आप ये एक करोगे? आप पीछे वाले झांकोगे क्या? आप नकल की पर्ची लेके जाओगे क्या? अगर आप टॉपर हो तो आपसे तो ये कहते हैं कि ये टॉपर हैं और यहाँ चिरकुट हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, आपने कई आरोप भी लगाए। बघेल साहब, आप क्योंकि समझ रहे हैं ये जो तीसरे फेज में इलेक्शन होना है बघेल साहब, वो पूरा जो है वो यादव बेल्ट है, ये गढ़ है समाजवादी पार्टियों का, समाजवादी पार्टी का, और यहाँ पर आसान नहीं होगी रहा आप लोगों की। पिछली बार तो चलिए 2017 में मोदी लहर पर सवार होकर के आप निकल पड़े तो आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी। इस बार अखिलेश ये कहते हैं कि पिछली बार 49 सीटें आपने जीती थी, इस बार आप 20 भी लाकर दिखाइए इस पूरे 59 सीटों में से जहाँ पर 20 तारीख को चुनाव होना है। क्या कहा उन्होंने? 30 लाके दिखाइए कहा ना जी, कहा ना। अब उनका वो बयान आपको दिखाना पड़ेगा, अब आपको उनका वो बयान दिखाना पड़ेगा जिसमें उन्होंने कहा था कि वो 400 सीटें जीत रहे हैं। अच्छा। 401 या 402। अब वो बयान दिखाओ। अगर हमें वो मान लो उनकी बात है कि हम 30 जीत रहे हैं तो उन्होंने तो कहा था कि वो 400 जीत रहे। लेकिन ये आप मान रहे हैं एसपी साहब कि पिछली बार 49 सीटें थी, सीटें बहुत कम हो रही हैं इस बार? पिछली बार जी 14 में हमारे 73 एमपी आए, 17 में हमारे 300 से ऊपर एमएलए आए, 19 में महागठबंधन के बावजूद सपा बसपा, ये अपनी खराब बातें तो कहते नहीं, सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद इनके घर के 3 लोग हारे हैं जिसमें डिंपल यादव इस समय हारी हुई है 2 बार से, और अक्षय यादव हारे हैं फिरोजाबाद से, धर्मेंद्र यादव, इनका जिक्र नहीं करते हैं। मैं ना हूं तो आप ये बताओगे नहीं देश की जनता को कि गढ़ में चुनाव लड़ने वाले समाजवादी पार्टी के सेफई के 3 सेनापति इस समय 2019 का चुनाव हार के घर में बैठे हुए हैं राहुल गांधी। ये तो जब से आपका नाम डिक्लेयर हुआ है एसपी सिंह बघेल साहब, करहल से आप ताल ठोक रहे हैं, तब से लगातार हम बता रहे हैं कि आपने पहले भी कई चुनाव लड़े हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख लीडर्स के साथ में और कईयों को हराया भी है, कई बार आपने जीत दर्ज भी की है और इस बार भी आप दावा तमाम ये कर रहे हैं कि जीत आपकी होनी है और उत्तर प्रदेश को फतह। मैं एक बात से पूछ रहा हूं, वैसे ही एक बात ऐसे भी हमारी होनी चाहिए, आप डॉक्टर चंद्रसेन यादव को नाम जानती हो तो बताएं वो क्या है? जी वो तो आप तब से ही बता रहे हैं एसपी सिंह बघेल साहब, और डिंपल अक्षय यादव, डिंपल यादव फिरोजाबाद के गढ़ में अक्षय यादव को हराया है जी। सुब्रतो पाठक को देश नहीं जानता है लेकिन डिंपल को जानता है, डिंपल को सुब्रतो पाठक ने हराया है, और धर्मेंद्र यादव को संघ मित्रा मौर्य एक साधारण घर में पैदा हुई एक अति पिछली लड़की ने, हमारी भतीजी ने उनको हराया है। चलिए ठीक है एसपी सिंह बघेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए भी, और बहुत सारी शुभकामनाएं भी आपको, लगातार प्रचार प्रसार आप कर रहे हैं, हमला हुआ उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि आप रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, बल्कि प्रचार करेंगे युद्ध स्तर पर। चलिए एक छोटे से ब्रेक के